जो बुराइयां कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बुराइयां कर रहे हैं, उनका एक एक करके जवाब देने का प्रयास करते हैं। पहला ये कि उन्हें इंग्लिश में अब हिंदी में लिखना पड़े। कैसे लिखेंगे, उन्हें हिंदी नहीं आती है, या उन्हें हिंदी के नाम नहीं पता है, या उन्हें हिंदी लिखने में शर्म आती है, या हिंदी लिखने में उन्हें लगता है कि वो छोटे हो जाएंगे। तो भैया, अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो आपको हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी समझने वाली बात यह है कि हिंदी अनिवार्य नहीं की गई है। जैसे कि अभी तक इंग्लिश थोपी जाती थी कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, वैसा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़िए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदी में पढ़ रहे हैं लड़के, उनका भविष्य आप क्या चाहते हैं? आप विरोध कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से विरोध कीजिए, स्कूली शिक्षा ही हिंदी में बंद कर दी जाए, या फिर घोषित कर दीजिए कि जो लड़के हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन के योग्य नहीं हैं, किसी भी माध्यम में। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि जो विदेश जाते हैं वो कैसे जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनका कैसे विदेश में नौकरी करेंगे, वो सिर्फ भारत में ही नौकरी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसा सवाल उठा रहे हैं ना, उनमें से किसी ने भी कभी विदेश जाने का प्रयास भी नहीं किया। घूमने गए होंगे लेकिन मेडिकल एज ए डॉक्टर कभी वहाँ पे जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो उन्हें पता होता कि अभी भी आप जो भले ही इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप जिस देश में जाएंगे उस देश की पहले भाषा का टेस्ट होता है। भले ही आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं लेकिन पहले आपको वहाँ की देश की भाषा का टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। हर जगह आप जैसे लोग नहीं होते हैं कि जो अपनी भाषा का विरोध करने लगे। दूसरा, कई लोग कहते हैं तो इसलिए जिसको विदेश जाना है उसको कोई समस्या नहीं है, अभी भी उसको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है, तब भी उसको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी जिसको विदेश जाना है। तीसरा, लोग कहते हैं कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा नहीं। ये क्या मजाक है यार, वैज्ञानिक कोई भाषा नहीं होती है, वैज्ञानिक एक इंसान होता है। अब जो इंसान रिसर्च कर रहा है वो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में लिखेगा। अभी तक क्या था कि जो इंडियन लिटरेचर भी है वो भी इंग्लिश में ही, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म ही नहीं थे कि हम हिंदी में लिख सकें। हिंदी में लिखने का तो मतलब ही होता था कि भैया आपको तो कुछ आ ही नहीं रहा, और कोई लिखने का प्रयास भी नहीं कर सकता था, क्यों? किसी को फेल तो होना नहीं है। सर, उससे नेगेटिव आ रहा था।